दूर से नमस्ते एपिसोड 6 सर्टिफिकेट पे हंगामा भाग 2। ज्ञान ऑफ द डे ये है कि अगर आपको आपका दिमाग तेज चाहिए, दिल शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त चाहिए तो उसके लिए आपको आपकी थाली में रखना होगा तिरंगा भोजन। अब तुझे मेरे काम करना हो, ये वाला वीडियोस की आईडी से अपलोड करना है। बिना एफसीआई के सर्टिफिकेट के आप दुकान नहीं चला सकते। सॉरी, बात तो सुनिए सर, बात सर, हो गया ना कांड। यहाँ मैं हूँ जो और एक नई दुकान खोलने की चक्कर में हूँ, और तू है कि ये दुकान भी बंद करना चाहता है। चल चल निकल यहाँ से, निकल पहले, निकल यहाँ से। किताब कहाँ छीन ली हमसे? अरे मोदी जाकर चाय बना कर लाओ यार। किसके लिए? अरे हमारे लिए। कौन सी? अरे मेन्यू कार्ड रखे हो क्या? मतलब नींबू वाली की दूध वाली? नींबू वाली। भैया नींबू कितना महंगा होगा मालूम? दूध वाला यार, ज्यादा दूध की कम दूध। चाय भी लाओगे आज? विशु आप है पम्मी गराज एंड रिपेयर्स की मालकिन और इस मोहल्ले की सबसे हसीन महिला परमजीत कौर उर्फ पम्मी जी। आज तो ना बाय गॉड मेरा दिन ही बन जाना है, सवेरे सवेरे तेरे दर्शन जो हो गए। पम्मी जी आपका दिन तो बन गया और मेरा खराब हो गया। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। निकाल दिया? हाँ पम्मी जी निकाल दिया। घर से? अरे पम्मी जी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। ठीक है ज्यादा गुस्सा होने की लोड नहीं है। तू ना मेरी गल सुन, ये जो पापा लोग होते हैं ना विशु, ये बड़े ही प्यारे होते हैं, पर बच्चों की गल ना कभी नहीं समझते, और यही तो साडे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सही कहा मम्मी जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब बच्चों की भी कोई फीलिंग्स होती है और ये माँ बाप बच्चों की फीलिंग्स को समझते ही नहीं है। बिल्कुल सही गल है तेरी। तू क्या देख रहा है? किसको? मेरे को और किसको? कहाँ आपको देख रहे हैं हम? चाय मांगी थी ना इसने, दूध वाली। तो की होया? चाय पत्ती नहीं है। अयो रब्बा, तो जाके लेके आना। मन नहीं है। मन नहीं है मतलब? मतलब वो मनी 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 नहीं है। पैसे चाहिए तुझे? वहाँ हमारी उधारी चलती है ना। जा यहाँ से। पम्मी जी, ये जो आप बार बार लिपस्टिक लगाती हो, ये लिपस्टिक जाती कहाँ है कि आपको फिर से लगानी पड़ती है? विशु, ये जो एक सुंदर लड़की और लिपस्टिक का मेल होता है ना, ये तू नहीं समझेगा। अच्छा पम्मी जी, आप अगर समझाओगी तो क्यों नहीं समझेंगे? समझाएंगे समझाएंगे, जब तेरा ब्याह होगा। यहाँ घर से निकाल दी और आप ब्याह की बातें कर रही हो। पम्मी जी। हाय अंजलि। हाय, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। ये विशु को क्या हुआ? विशु, विशु देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई। फिटनेस फ्रीक के लिए बेसन का चिल्ला और जूस। क्या बात है, भगवान तुम्हारा भला करे। मम्मी जी खोल के देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं।
चीनी ठीक है? बिल्कुल भैया। अच्छा भैया, वो जो लड़के वाले आए थे उसका क्या हुआ? बताइए बताइए। रिजेक्ट हो गया। वो भी रिजेक्ट? हाँ, वो सब उस पंडित की करतूत थी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चिंतामणि जी, इस घर में भूत प्रेत का साया है। पंडित जी, इधर इधर, उधर कहाँ, इधर आ। यजमान, गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। देखो पंडित, इस दुनिया में ये वो लोग हैं जो कानून को नहीं मानते, ना मास्क पहनते हैं, ना सैनिटाइज करते हैं, ना सोशल डिस्टेंस रखते हैं, और अपने आप को बहुत चलाक समझते हैं, और बाकी लोगों को बेवकूफ। इससे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई हो नहीं सकता। हाथ आगे करो। सही कहा भाई, ऊपर से हंसी उड़ाते दूसरों की जो नियम मानते हैं। अब बताओ, ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर देता? यजमान, अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इस बार हम आपकी बेटी के लिए एक योग्य वर लेके आए। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। ये देखिए। तो हम देखेंगे, एक सेकंड। चिंटू जी। हाँ जी। इनसे वही कहिए जो मैंने आपसे कहा था। ठीक है मंजू जी। मंजू जी? अब मेरा बताओ, पंडित जी, प्लान चेंज। प्लान चेंज? अभी इसमें जो नया लड़का आया है उसका अता पता देख कर मैं उसकी जासूसी करूँगा। भैया, अब से जासूसी के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं बहना, थक जाओगी, कैसी बात कर रही हो। हाँ भैया, अभी तो हम सिर्फ स्वीट 40 के हैं। क्या कहते हैं, चल जाए ऐसे, और आ, दक्षिणा की बात जो बात है, काम हो जाएगा तो दे दूंगा। अब है ना, चल जा जा जा, जा। अच्छा, तो उस नालायक के लिए टिफिन भरा जा रहा है। आपका भी तो पूरा ध्यान यही लगा हुआ है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ है, खाया कि नहीं। बाप हूँ उसका, मुझे पता है वो क्या कर रहा होगा। 2 रुपये का फर्क नहीं पड़ रहा होगा उसको। भूखा होगा बेचारा। देखिए, अगर आप उसके लिए टिफिन ले जाएंगी ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। चाहे आपका दिल टूटे या दुनिया छूटे, मुझे जाना ही होगा। मैं नहीं रुकने वाली। मैं आ रही हूँ मेरा बेटा, मैं आ रही हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारा खाना लेकर आ रही है। डरो ना, करो ना तो कुछ ना होना, काहे करो ना, करो ना करो ना करो ना करो ना। इधर आओ, इधर आओ। अरे भैया, क्या पतीली आए जा रहे बनाने? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ये थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग सीखो। एक हाथ का डिस्टेंस। ये तुम ऐसे बॉन्ड बनके बिना मास्क लगाए, बिना हैंड सैनिटाइज के बाजार में घूमते हो, तुम्हें कुछ बोलता नहीं है कोई, मतलब टोकता नहीं है? फाइन तो लगाता होगा। फाइन लगाता होगा? अरे भैया, ये फाइन, वैक्सीन, मास्क, ये सब हमारे लिए नहीं है। हाँ, अब ऐसे भी कौन कम वक्त खर्चा करे वैक्सीन पर। अरे मनमौजी, वैक्सीन सरकार भी लगा रही है। अभी सरकार लगा रही है, जाके देखिए कितना लंबा लाइन लगता है वहाँ पर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मतलब वैक्सीन के लिए लाइन लगाने में तुम्हें परेशानी है, जब अस्पताल में बेड के लिए लाइन लगाओगे तब। अरे मनमौजी बेटा, इधर आओ, आओ आओ आओ। वैक्सीन समय पे लगा ले, और कायदे से ना तुझे पहला, दूसरा और बूस्टर डोज भी लग जाना चाहिए था। बूस्टर डोज लग जाना चाहिए था? अरे अंजलि मैडम, हमारी जो ऊ है ना, ऊ जो शरीर के अंदर होता है। क्या ऊ? अरे जो 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 लड़ाई करता है, लड़ाई करता है। के बोलो। और जो ताकतवर होता है। हाँ, गुर्दा। गुर्दा नहीं, उसका नाम जो WBC? नहीं नहीं, तो वो इम से होता है नाम, इम। इम्यूनिटी। हाँ, इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी ना बहुत ही तगड़ी, हमको कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी भी अंजलि मैडम ना, ये कोविड वोविड सब जाने वाला है, पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बहुत जल्दी, देख लीजिएगा। अरे ओ, नॉर्मल इधर आओ। देखो बेटा, अब यही सब नया नॉर्मल है, मास्क लगाना, हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना, कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करना। जितना जल्दी समझ जाओगे ना उतना बढ़िया है, नहीं तो पछताओगे। अरे यार, तुम लोग ये किसे समझा रहे हो?
इन्हों समझाने का मतलब है पत्थर पर सर मारना। वैसे विशु, ये बूस्टर डोज के मैसेजेस तो रोज मुझे भी आ रहे हैं कि कोई डेट ड्यूशू हो गई सी, पर मैं तो ऑलरेडी अपने डोशो दो लगवा चुकी हूँ। वैसे मुझे गल दस, ये बूस्टर डोज है कि? पम्मी जी, बूस्टर डोज आपके पहले के डोज को बूस्ट करने के लिए। बैठो यहाँ पे। हाँ, जैसे उन्हें बताया, उन्हें तेरी सारी बात समझ में आ गई। ढक्कन। ढक्कन किसे बोला? तुझे बोला, और किसे? पम्मी जी, मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो ये एक बाइक है, बाइक अगर चलते चलते रिजर्व पे आ जाए तो आप क्या करोगी? ऑटो से जाएंगे। मनमौजी तू चुप कर, पेट्रोल भराऊंगी और क्या। एग्जैक्टली, बूस्टर डोज भी वही है। जैसे आपको लगे ना कि आपकी सेकेंड डोज की ताकत थोड़ी कम होने लगे ना, बूस्टर लेके उसका टैंक फुल कर दो आप, फिर साड़ी गड्डी टन टना टन। बिल्कुल, इसलिए तय समय बाद ले लो बूस्टर का शॉट। वैसे एक गल तो है, ऐसे में तुम दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ो, लेकिन जहां बात कोविड की आती है ना, तुम दोनों एक हो ही जाते हो। अब तू क्या देख रहा है, जल्दी जाओ और जल्दी आइयो, साथ बैठ के खाएंगे। का खाएंगे साथ बैठ के, ये घास फूसा। हम विशु भैया के दुकान से ना पहले ही गर्मा गर्म बेड़िया और आलू का सब्जी खा के आए, देखिए डकार भी आ गया। अरे रानी आंटी, भैया वो दुकान मेरी नहीं रही। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हम लोग चले? विशु, तेरी नहीं है तो फिर किसकी है वो दुकान? आपके पतिदेव की, बनवारी लाल की, सन ऑफ लेट गिरधारी लाल जी। अब इतना गुस्सा मत कर, देख तो कैसे मुंह निकल आया है छोटा सा, भूख के मारे। देखो माँ, आप इमोशनल अत्याचार मत करो, जो होना था हो गया है। अच्छा अच्छा, चल देख, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, कुछ खा ले। माँ तुम जाओ, माँ ना मैं आऊंगा ना मैं खाऊंगा। हाँ छोड़ आए वो गलियां हम माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। अगर तुमने एक शब्द और बोला ना माँ, तो अगर मैं आ भी रहूंगा ना तो भी नहीं आऊंगा। ठीक है मत खा, मेरा दिल दुखा के तुझे बहुत खुशी मिलती है ना, मत खा, मैं भी नहीं खाऊंगी। हाँ देख लेना, मत खा। माँ तुम्हारे पापा मेरे कहना नहीं मानते, और यहाँ ये मेरा बेटा मानता नहीं मेरी बात, कोई मेरी बात नहीं मानता, मैं क्या करूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। और तूने खाना खाया? हाँ खाया। हाँ तू तो खाएगा ही ना, तुझे तो हमेशा ठूसना होता है, और क्या खाया, खाना तो होता ही है ना। विशु विशु जल्दी आ, ये देख। अबे क्या हुआ यार? अरे जल्दी आना। अबे चिल्ला क्यों रहा है यार, क्या हो गया? भाई तेरा वीडियो वायरल हो गया। क्या बात कर रहा है यार, दिखा। हाँ, हजारों व्यूज और कमेंट्स आ रहे। ये वीडियो तूने बनाया? हाँ और किसने बनाया? खा विद्या कसम। यार तू विद्या को इसके बीच में मत लाया कर यार। अबे तू खा रहा है कि नहीं खा रहा विद्या कसम? तुझे तो पता है ना मैं सब खाना खाता हूँ, ये सब बेकार में सोच रहा है यार। मैंने वीडियो बनाया है, और तू ना ऐसे वीडियोस रोज अपलोड किया कर यार, सब लोग तेरी फिटनेस के बारे में सुनेंगे। हाँ मेरा अपना बाप तो मेरी बात सुनता नहीं है, जनता क्या सुनेगी बे। और फिटनेस की बात तो तू करी मत, लोग क्या बोलेंगे, मेरे खुद का दोस्तों पेट है नहीं और दुनिया को ज्ञान बांटता फिर रहा हूँ मैं। यार देख तू मुझसे ना दोस्ती तोड़ ले, पर मेरा खाने से नाता मत तोड़वा। तो तू एक काम कर, तू ना हेल्दी खाना शुरू कर दे। हाँ चॉकलेट हेल्दी होता है। चॉकलेट हेल्दी है बहुत। ओहो इसको भी आज ही खराब होना था है बहन। नमस्ते अंकल। अरे अंजलि आज मेरा तू इस तरफ कैसे? आप तो जानते हैं ना कोविड के दौरान बच्चों पर काफी असर पड़ा है, तो यहाँ वही एक स्टूडेंट के माता पिता को ही समझाने आई थी। तो स्कूल वाले समझ गए बात को? बिल्कुल अंकल, हमने उनको सब कुछ बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में स्कूल में हैंड वॉशिंग स्टेशन भी लगाई है,
ताकि बच्चों को हाथ धोने की आदत डल जाए। और साथ साथ में हम बच्चों को ये भी समझा रहे हैं कि कोरोना के लक्षण क्या है, ताकि अगर किसी को कोई भी संदेह होता है तो वो स्कूल आने की बजाय वो आराम से घर पर रेस्ट करे। बिल्कुल सही बात है बेटा, बच्चों के माता पिता को भरोसा देना बहुत जरूरी है। भाई, माँ बाप को उनके सिखाना चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। जी अंकल, इस महामारी में तुम जैसी टीचर्स ना बहुत अच्छा काम कर रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब लोग सड़क पे चलना छोड़ दें क्या? अंधे कहीं के? रुकिए, मैं देखती हूँ अभी इसको। अबे ओए, भैया जी के लिए चाय बनाओ। कड़क, समझा? जितेन, यहाँ पर कहाँ है स्वर्गीय गिरधारी लाल जी के सुपुत्र महान विश्वेश्वर लाल के पूजनीय पिताजी श्री बनवारी लाल जी? विश्व आ रही है। माँ बिस्सू, अरे मेरा बिस्सू आ गया। हाय माँ बिस्सू, माँ कुचिकू, I said ना बिस्सू कम का बेटा। आ गए तुम, एक दिन भी नहीं रह पाए ना बिना ऐशो आराम के। वन मिनट, आ रहा हूँ। मदर, टेल हस्बैंड। हस्बैंड, शायद आपके पति की बेरहम और लालची आंखों ने ये नहीं देखा कि मैं उनके बंगले के अंदर नहीं बाहर हूँ। हाँ देखा, क्यों आया है? माँ, शायद आपके पति के अंधकार में डूबी आंखों ने ये नहीं नोटिस किया कि मेरे हाथ में एक कागज है। देखा तो नहीं, FCI का वो सर्टिफिकेट है जिसकी वजह से आपने बेरहमी से भरे समाज के सामने मुझे धुक्कार कर धक्के मार कर अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया था, है ना माँ? हाँ मेरा बेटा, और ये भी बता दो कि कैसे एक माँ को अपने बेटे से जुदा कर दिया। हाँ माँ, वो भी। बेटा दे दे अपना ये छत्ती का गेट इन है। कौन सा गेट? सर्टिफिकेट, ये तुम्हारी माँ का स्पेशल इंग्लिश है। वही, छत्ती का गेट दे दे बेटा और अपनी माँ के पास आ जा। ये लो। लो? लीजिए। हाँ। बेटा। माँ। शुरू हो गया इनका ड्रामा। वो ये नायरा भी ना ऐसे क्या प्रोजेक्ट में खोई हुई है कि दरवाजा बंद करने नहीं आ सकती या दोबारा दरवाजा खोलने नहीं आ सकती। भैया हद, गीत भी तो घर पे नहीं है, ऐसे दरवाजे पे ताला लगा के कैसे जाएं? सच में अगर ये बूस्टर इंजेक्शन की बात नहीं होती ना तो नहीं जाते बाहर। पानी पियोगी? नहीं भैया। अरे इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आधा घंटा लगेगा आने और जाने में, और वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच के इंजेक्शन लेने में 5 मिनट। हाँ ये बात अलग है कि इंजेक्शन देख कर अगर तुम उछल गई कूद गई तो उधर भागने लगी तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये बात तो सही कह रहे हैं भैया, इंजेक्शन से तो मुझे आज भी उतना ही डर लगता है। पर ये बात जरूरी है, हाँ। जब पहला और सेकंड डोज लगवाया था ना, हाँ। तब पता ही नहीं चला। अच्छा, पर लेकिन ऐसे ताला लगा कर जाना समझ नहीं आ रहा। जी चलो मास्क पहनो और चलो यहाँ से। शाबाश, चलो चलो चलो, चलिए। मैंने आपको आपका सर्टिफिकेट ला कर दे दिया और इसी के साथ मेरी गैर जिम्मेदारी भी खत्म हुई। मैं चलता हूँ माँ, चलता हूँ। हाँ माँ, अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मेरे पास एक बंगला होगा। रोको ना इसे। अरे इसे रोकने का अनर्थ मुझसे नहीं होगा। अनर्थ? हाँ। कैसी बातें करते हैं आप, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं आप। बस आप भी तो बेटा। मैं कहना तो नहीं चाहता माँ, लेकिन स्टैचू, माँ स्टैचू।
विशु बेटा सुनो। अब सुनने सुनाने को कुछ बचा ही नहीं है पिताजी। देखो अब ये सुनने को तैयार ही नहीं है तो कैसे रोको इसे? मेरा स्टेचू तो खोलो। ओवर माँ, ओवर। बोलिए ना विशु के पापा। अरे विशु के पापा कितने अच्छे हैं। उन्होंने हाँ कह दिया। हाँ कह दिया? कहाँ कहा? अभी कहा, मैंने सुना, इस कान से सुना। हाँ कहा ना आपने? सच में कहा क्या? हाँ। तो मुझे अंदर ले चलो माँ। चलो बेटा। चलो माँ अंदर चलो। अंदर चलो माँ। ड्रामा कंपनी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना कि विशु के पास ये सर्टिफिकेट आया कहाँ से? पम्मी जी को दिया हमारी गीत ने। अब उसे तो विशु का एहसान चुकाना था ना, और ये सर्टिफिकेट उसे दिया पम्मी जी ने। कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर आपको गीत, विशु, नायरा या दूर से नमस्ते परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बात करनी है तो इस नंबर पर मिस कॉल लीजिए अभी +918046107666 पर।